मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। न्यू ब्लॉग की शुरुआत मैं 2 बजे से कर रही हूँ और फिलहाल नहा धो के रेडी हो गई हूँ। तो अभी बहन भी आ गई है स्कूल से, नए दिन के साथ नए ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। तो अभी अभी काम तो कुछ नहीं है, लेकिन अभी हम एप्पल वगैरह सेब वगैरह ये जो है ना वो तो काट के ला रही है बहन। तो ये इसको क्या कहते हैं ऑरेंज, तो इसको मैंने छील दिया है, इसको खाएंगे। और उससे पहले अभी हमने चकोता भी खाया हुआ था, तो चकोता तो कच्चा ही था तो टेस्ट इतना नहीं आ रहा था खास, मिस्टर जी ने खरीदा हुआ था। तो अभी फ्रूट्स वगैरह ही खा रहे हैं। और अभी आज मैंने कुछ काम नहीं किया है, बस पड़ी रही थी। और बहन तो इतना सारा काम करने के बाद भी वो स्कूल से आ गई और अभी मेरे लिए एप्पल वगैरह काट रही है। तो यहाँ देख सकते हैं एप्पल काट के लेकर आ गई है। यहाँ हमने चकोता भी खाया हुआ था, ये छिलके वगैरह पड़े हुए हैं। और ये पकड़, खा ले, मैं कल थोड़ी ना खाऊंगा, तू भी खा ले। खोलो, एक तो आवाज नहीं आएगी। ठंडे खाओगे कि गरम? ठंडे खाऊंगी मैं, गरम करके लाओगे? मैं गुलाब जामुन खाने को मन करता रहा। बुढ़े वाली बेटी सुना खागी, सुना खागी। आ जाओ भाई रसगुल्ले खाने, सारे वाले काले वाले। सिमारती तोड़ दी। ये देखो ऊपर तक भरे पड़े हैं बिल्कुल। रसगुल्ला सर थे, कल खीर बनाएंगे, खीर भी खान को मिलेगी। मैं बनाता हूँ, तुम निकालो और उसको खिलाओ, हमें दे दी गो। कितना खाओगे? अब की तुम रख रहे हो पटाखे? पटाखे नहीं, पैरास। अरे पता है मैंने कल क्या देखा, पता है क्या? पैरासूट आया हुआ था, तो चलिए जी यहाँ पे मिस्टर जी करेले छील रहे हैं। बहन बर्तन धो रही थी तो मैंने मिस्टर जी को काम पे लगा दिया, तो मैंने कहा आप करेले छील के जाइए, तो उन्होंने कहा छील देता हूँ। तो ये शाम के खाने की तैयारी हो रही है। ये मैंने जो है रोटी और सब्जी बना दी है, चावल भी बना दिया है, खाना हमारा बन गया है। और झाड़ू वाड़ू मैंने लगा दिया, अभी झाड़ू
झाड़ू मैंने लगा दिया और ये ऐसी लेटी हुई है ऐसे पड़ी है। अब हमारा थोड़ा सा काम बचा है, उसको पूरा कर लेते हैं। तो गई है पर ये झाड़ू लेके नहीं गई। तो छत में झाड़ू लगाने को बचा हुआ था, उसी काम को हम करने के लिए छत में आए हुए हैं। तो चलिए फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं। तो आज मिस्टर जी ने पानी नहीं डाला है, तो यहाँ देखो मेरा अमरूद का पेड़ जो है ना वो पूरा सूख गया है भाई। और मेरे से बोल रहे थे कि आजकल पेड़ नहीं सूखते, और यहाँ देखो सारे पेड़ जो है ना वो सूखे हुए हैं। तो पहले ये झाड़ू लगा लेती है बहन, उसके बाद ही इसमें पानी डालेंगे, नहीं तो फिर गीला हो जाएगा। तो कल ना यहाँ पे एक फ्लावर लगा हुआ था जो कि झड़ गया है, और ये ना गुड़हल की एक ही वो है कि ये एक ही दिन खिलते हैं, और आज ये दूसरा खिल गया है और ये भी रात तक या कल तक झड़ जाएगा। बाकी के ये वाला तो सारा ख़राब ही हो रहा है, इसको इसकी कटिंग वगैरह करनी थी जो ख़राब था, पर अभी मैं कर नहीं पा रही हूँ तो उस वजह से काम हो नहीं पाया है। तो चलिए जी फिलहाल हम लोग छत में आ गए हैं, और बहन ने आज खाना पीना सारा कुछ जो है ना वो बना दिया था, और बहन ने सारा कुछ खाना पीना जो है ना बना दिया था। अभी साफ सफाई करने के लिए हम छत में आ रखे हैं, और ना हमारी छत का माहौल ना कुछ ऐसा हो रखा है, देख सकते हैं सारे जो लोग हैं ना वो अपना अपना काम कर रहे हैं, और रोड भी चल रही है क्योंकि शाम का टाइम हो गया है, और काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारे यहाँ का माहौल कुछ ऐसा हो रखा है चहल पहल वाला। और अभी ना सूरज जो है ना वो डूबने ही वाला है, देख सकते हैं यहाँ तक पहुँच गया है, और बहन को तो हमने लगा रखा है काम पे। वैसे ना ये जो झाड़ू लगाने का काम मैं भी कर सकती थी, लेकिन ना ये बैठ के और झुक के करना है तो उस वजह से मुझसे हो नहीं पाता, तो इसलिए मैंने नहीं किया। तो फिर बहन को मैंने बुला रखा, मैंने कहा चलो आज कल हमने ये पूरी जो बेल वगैरह थी ना वो निकालती थी, तो आज तो हमारा खाली काम यही रह गया था कि झाड़ू लगाना है, बाकी सारा काम तो हो ही गया है। तो आज हम खाना पीना बना के आए हुए हैं, हमने नहीं मतलब आज बहन ने जल्दी खाना पीना बना दिया है। हमने कहा कि छत में बैठेंगे थोड़ी देर, क्योंकि सारा दिन घर में ही पड़े रहते हैं तो थोड़ा बोर हो जाते हैं, अंदर कब तक रहे इंसान, थोड़ा खुली हवा में भी आना चाहिए, तो मेरा थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से जो है ना मेरा छत में आना मुश्किल नामुमकिन हो जाता है, मतलब मुमकिन नहीं है डेली आना। लेकिन कल आई थी और उसके बाद मैं आज आई हुई हूँ, तो हमने सोचा कि अब आए हुए हैं तो आज थोड़ी देर तक छत में ही रहेंगे, फिर जाएंगे नीचे, क्योंकि खाना पीना बनाने की आज टेंशन नहीं है। और मिस्टर जी से बोला हुआ था पानी डालने के लिए इनमें, तो उन्होंने कहा कि आजकल पौधे ना सूख नहीं रहे हैं, लेकिन मैं हाल दिखा देती हूँ पौधों का। ये जो मेरा अमरूद का प्लांट है ना, तो ये देखो कुछ इस तरह से मुरझा गया है, क्योंकि आज मिस्टर जी ने पानी नहीं डाला हुआ है। तो पहले यहाँ से झाड़ू वगैरह सारा कुछ लगा लेते हैं, उसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी, नहीं तो फिर झाड़ू लगने में नहीं आएगा यहाँ पे ना, फिर गीला हो जाएगा ये। Thank you.
तो दोस्तों मेरी छत में आज और भी बहुत अच्छे खिले हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो तो ये कितना सुंदर सा रोज जो है ना वो खिला हुआ है। एक ये खिलने वाला है, ये कल तक खिल जाएगा, लेकिन ना ये जल्दी मुरझाते नहीं है दो तीन दिनों तक। अब जैसे जैसे ठंड आ रही है ना वैसे बड़े 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 रोज खिलेंगे, और इसका कंटेनर भी ना छोटा सा है, उस वजह से छोटे छोटे रोज आ रहे हैं। और यहाँ पे ऑरेंज वाला भी खिल रहा है, देख सकते हैं।